हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो ये देखिए, हमने शरारा की कटिंग पिछली वीडियो में बताई थी, अब इसमें हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो ये देखिए, हमारा ऊपर वाला पार्ट है। हमने पहले पल्ले को सीधा रखा है, उसके ऊपर दूसरे को उल्टा रखा है। और ये देखिए, यहाँ पर हम आसन वाले हिस्से की हम सिलाई लगा देंगे बेल्ट से लेके। और ये देखिए, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इसी प्रकार से आप सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसको कपड़े को सिलाई को दबाते हुए यहाँ पर हम एक एक सिलाई और लगाएंगे दोनों साइड। ये देखिए, इससे हमारी सिलाई दब जाती है, धागे भी नहीं निकलते इससे। ये देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, ऐसे ही आप सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसका नेफा बना लेंगे। ये देखिए, आधा आधा इंच अंतर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम नेफा बना लेंगे इसका। और देखिए, जहाँ से एक सिलाई, आप कोई सी भी सिलाई ले सकते हैं इसमें, एक सिलाई से दोनों साइड एक एक इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। वो जगह हमें इलास्टिक के लिए छोड़नी है। तो ये देखिए, ऐसे ही हम पूरे नेफे पर अपने पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सिलाई यहाँ पर लगकर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए, हमने जो कपड़े 9-9 इंच वाले कट किए थे और जिसकी लंबाई 18 इंच थी, पहले उसको लेंगे हम। और ये देखिए, हम यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे, यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बना लेंगे छोड़ते हुए। आप चाहें इस पर लंबी सिलाई लगा करके उसको भी खींच कर प्लेट्स बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, ऐसे ही हम दोनों पल्लों में अपनी प्लेट्स बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पल्ले तैयार कर लिए हैं। ये हमारे छोटे वाले पल्ले हैं जिसकी लंबाई 18 इंच थी। और ये देखिए, एक पल्ला लेंगे और बीच से निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमने जो अपना आसन वाला हिस्सा सिला था, उससे एक पल्ला लेंगे और उसके बीचों बीच हम निशान लगाएंगे। और ये देखिए, एक इसको हम सीधा रखेंगे, नीचे प्लेट्स वाला जो हिस्सा है, और ये आसन वाला जो हिस्सा है उसको हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। और ये देखिए, इसको मिलाते हुए यहाँ पर हम बराबर से स्टिच लगा देंगे। देखिए, अगर प्लेट्स वाला हमारा हिस्सा बड़ा है तो हम जगह जगह पर प्लेट्स भर देंगे, इससे कोई हमारी सिलाई में अंतर नहीं आएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए, ऐसे ही हम अपने इस कपड़े को इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही हम दूसरे वाले पल्ले को भी दूसरे वाले हिस्से में, दूसरे वाले जो टांग वाला हमारा जो हिस्सा है उसमें हम उसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, हमने अपने दोनों पल्ले स्टिच कर लिए हैं। और ये देखिए, हमारे ये जो बड़े वाले पल्ले थे जिसकी लंबाई 41-42 इंच थी, अब हम उसको ले देखिए, हमने हमारे एक पल्ले पर प्लेट्स बन ली हैं। और दूसरे को ये देखिए, हम यहाँ पर दोनों तरीके दिखाएंगे। तो ये देखिए, दूसरे को हम ऐसे ही जॉइंट करके दिखाएंगे। चाहे आप इसमें ऐसे प्लेट्स भर सकते हैं पहले, या चाहे जैसे हम इसमें भरेंगे आप ऐसे प्लेट्स भर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, हमने जो बड़ा वाला कपड़ा था हमारा 42 इंच, तो उसको हम सीधा रखेंगे इसके ऊपर। और जो हमने आसन में जो कपड़ा जोड़ा था, प्लेट्स भरी थी उसमें, तो इसको इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ बीच से हम पिन लगा देंगे। और ये देखिए, किनारे से दोनों हिस्सों को हम पकड़ेंगे। और यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला कपड़ा रहेगा उसमें हम छोटी छोटी अपनी प्लेट्स भर देंगे। ये देखिए, आप चाहे इसमें प्लेट्स भर के भी कपड़े को ऐड कर जॉइंट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले इसमें प्लेट्स भर के दिखाई हैं। यहाँ पर हमने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं, जौन सा आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसमें इस कपड़े को जॉइंट कर लें। तो ये देखिए, ऐसे ही हम दोनों पल्लों को अपने दोनों हिस्सों में जॉइंट कर देंगे।
और ये देखिए हमारे दोनों कपड़े एक साथ स्टिच हो चुके हैं। ऐसे ही हम दूसरे वाले पल्ले को भी जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों जॉइंट कर लिए हैं दोनों। अब देखिए हम यहाँ पर आसन वाली अपनी सिलाई लगाएंगे बीच वाली। तो ये देखिए एक एक टांग को अलग अलग करते हुए बीच से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे और आसन को एक जगह यहाँ पर पकड़ते हुए ये देखिए हमारी सिलाई भी आगे पीछे बराबर आएंगे और ऐसे ही हम बीच वाली सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है बीच वाली। अभी देखिए हमारे नीचे वाले जो हिस्से हैं हम इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, जो मोहरी वाला हिस्सा है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे इस पे पीको भी करा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही हम अपने दोनों पल्लों पर सिलाई लगा लेंगे। तो गाइज वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका ये देखिए फाइनल लुक दिखाते हैं कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप भी डाली है।